नमस्ते गाइस, राजेश यहाँ पर नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro के बेस्ट टिप्स और ट्रिक्स, कुछ हिडन टिप्स और ट्रिक्स और कुछ ऐसे फीचर्स जिससे आप इस फोन को और अच्छे से यूज कर पाएंगे। ये एक लेंथी वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को आराम से टाइम लेकर देखिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ लॉक स्क्रीन रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, लॉक स्क्रीन। यहां पे आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे जो बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होने चाहिए थे लेकिन फॉर सम रीजन नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको Redmi Note 8 और Note 8 Pro में मिलता है डबल टैप टू वेक और रेस टू वेक जैसे जेस्चर्स, लेकिन ये दोनों ही जेस्चर्स बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड हैं, तो इन्हें इनेबल जरूर कर लीजिएगा। डबल टैप टू वेक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फीचर है, जब भी आपकी फ़ोन की डिस्प्ले ऑफ होगी आप उस पर सिर्फ दो बार टैप कर सकते हैं इसकी डिस्प्ले को वेक करने के लिए। रेस टू वेक जो है ये बहुत ही हैंडी जेस्चर है अगर आप फेस अनलॉक यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होगा कि जब भी आप अपने फ़ोन को किसी भी टेबल से उठाएंगे, अपनी जीन्स की पॉकेट से निकालेंगे, तो इसकी डिस्प्ले ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी और आप जल्दी से लॉक स्क्रीन से ही अपने अनरेड नोटिफिकेशंस देख सकते हैं, या फिर अगर आपने फेस अनलॉक सेट किया है तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। एक और जो यूज़फुल ऑप्शन है यहाँ पे वो है लॉन्च कैमरा का। तो बाय डिफॉल्ट आपको Redmi Note 8 सीरीज में कोई शॉर्टकट नहीं मिल रहा है फिजिकल कैमरा आपको जल्दी लॉन्च करने का, लेकिन ये फीचर जो है ये MIUI 10 में जरूर है। लॉक स्क्रीन के अंदर ये जो लॉन्च कैमरा ऑप्शन है, अगर आप इसे इनेबल कर देंगे तो आप अपने Redmi Note 8 या Note 8 Pro में कैमरा आपको ओपन कर पाएंगे वॉल्यूम बटन को दो बार प्रेस करके। ये फीचर जो है सिर्फ और सिर्फ आपका लॉक स्क्रीन या फिर जब आपका फोन का डिस्प्ले ऑफ है तभी चलेगा। बाकी फोन्स में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कैमरा आपको दो बार पावर बटन डबल प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं, और Redmi Note 8 सीरीज में भी ये फीचर प्रेजेंट है, लेकिन मुझे तो ये वॉल्यूम डाउन वाला जो शॉर्टकट है ये ज्यादा पसंद है। तो ये तो हो गई लॉक स्क्रीन रिलेटेड कुछ हैंडी टिप्स और ट्रिक्स। अब मैं आपको डिस्प्ले रिलेटेड कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताता हूं। तो अगर आप देख रहे होंगे तो अभी मेरी Redmi Note 8 Pro की जो MIUI इंटरफेस है वो पूरी ब्लैक डार्क कलर की है और ये दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। तो वो इस वजह से है क्योंकि Redmi Note 8 सीरीज में आपको मिल रहा है MIUI में डार्क मोड। इसमें क्या होगा कि जो पूरी UI एलिमेंट्स है उनको एक डार्क सिस्टम थीम दे दिया जाता है जो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर Redmi Note 8 में आपको एक OLED डिस्प्ले मिलता तो डार्क मोड यूज करने से आप इस फोन की बैटरी लाइफ भी इम्प्रूव कर पाते, वो नहीं है, लेकिन तो भी Note 8 सीरीज की LCD डिस्प्ले में MIUI 10 का जो डार्क मोड है वो बहुत ही अच्छा लगता है। एक जो बहुत ही यूजफुल ऑप्शन आपको मिलेगा डिस्प्ले के अंदर वो है टेक्स्ट साइज का। आप इसे चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि आप जब टेक्स्ट साइज एडजस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पूरी UI एलिमेंट्स है वो भी ऑटोमेटिकली स्केल हुई। तो अगर मैं टेक्स्ट साइज को इंक्रीज करता हूँ तो आप देखेंगे कि सेटिंग्स मैनेजर वो ऑटोमेटिकली बड़ी हो गई, अब मुझे स्क्रीन पे कम आइटम दिख रहे हैं। सिर्फ टेक्स्ट का साइज ही नहीं छोटा हुआ है बल्कि UI एलिमेंट्स जो है उनकी साइज भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट हुई है, वो भी टेक्स्ट साइज के अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा हो जाता है। नॉच एंड स्टेटस बार में जाएंगे तो आपको बहुत सारे यूजफुल ऑप्शंस मिलेंगे। Redmi Note 8 सीरीज में एक बहुत ही छोटा सा ड्यू ड्रॉप नॉच है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो आप चाहें तो हाइड नॉच का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो स्टेटस बार है वो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं कि ठीक कैमरा के पैरेलल है, लेकिन अगर आप हाइट नॉच करेंगे तो स्टेटस बार जो है वो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा और उसके ऊपर सिस्टम जो है वो हमेशा एक ब्लैक बार दिखाएगा नॉच को हाइड करने के लिए। वैसे तो Redmi Note 8 सीरीज में जो नॉच है वो बहुत ही छोटा है, तो आई डोंट रियली थिंक ये ऑप्शन ज़्यादा यूजफुल है। एक जो ऑप्शन लेकिन आपको यहाँ पर ज़रूर इनेबल करना चाहिए वो है शो आइकन्स फॉर इनकमिंग नोटिफिकेशंस का। इससे क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी दो नोटिफिकेशन के आइकन्स आ गए स्टेटस बार में जो बाय डिफॉल्ट मिसिंग थे। तो MIUI का ये प्रॉब्लम है कि ये अनरेड नोटिफिकेशंस की कोई आइकन नहीं दिखाता है स्टेटस बार में, तो इस वजह से जब तक आप नोटिफिकेशन बार एक्सपैंड नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके क्या अनरेड नोटिफिकेशंस है। तो इसीलिए शो आइकन फॉर इनकमिंग नोटिफिकेशंस वाला जो ऑप्शन है इसे जरूर इनेबल करके रखिएगा। आप यहां से चाहें तो जो बैटरी इंडिकेटर है उसे परसेंटेज चेंज करके ग्राफिकल भी कर सकते हैं। तो क्या होगा कि स्टेटस बार में जो बैटरी का आइकन है वो सिर्फ एक ग्राफिकल ओवरव्यू देगा आपको रिमेनिंग बैटरी कैपेसिटी का, ना कि परसेंटेज में बताएगा। Redmi Note 8 सीरीज की बैटरी लाइफ बहुत ही सॉलिड है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बैटरी परसेंटेज यूज करना चाहिए। रिमेनिंग बैटरी परसेंटेज आप देखेंगे तो आपको बैटरी एंजाइटी होगा जिस वजह से आप अपना स्मार्टफोन प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे। Redmi Note 8 सीरीज में आपको मिलता है गेम टर्बो, और
उसे आप चाहें तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, यहाँ पे आपको दिखेगा स्पेशल फीचर्स, उसमें जाइए। वहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन गेम टर्बो का। तो गेम टर्बो में क्या होता है कि जब भी आप कोई गेम लॉन्च करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो फ़ोन है वो बैकग्राउंड प्रोसेसर को किल कर देता है, टच रिस्पॉन्स इम्प्रूव कर देता है ताकि आपको बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस मिले। आपको यहाँ पे कुछ गेम टर्बो रिलेटेड कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिलेंगे सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे आप चाहें तो जो इन गेम शॉर्टकट्स आते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर या कोई भी अदर मैसेजिंग ऐप जो आपने सेलेक्ट किया, आप उसकी एक मिनी विंडो खोल सकते हैं पबजी खेलते हुए या कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हुए। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं चाहिए तो ये जो इन गेम शॉर्टकट्स का ऑप्शन है इसे डिसेबल कर दीजिए। परफॉर्मेंस मोड भी जो है वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है जब भी आप कोई गेम स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस परफॉर्मेंस मोड को डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का भी मोड है जो बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है। इसमें क्या होता है कि अगर इनेबल्ड रहेगा तो आपका Redmi Note 8 सीरीज़ का फ़ोन ऑटोमेटिकली फ़ोन की परफॉर्मेंस को थ्रॉटल करेगा ओवरहीटिंग और कोई भी दूसरा हार्डवेयर इशू क्रिएट होने से। जैसा मैंने पहले कहा, गेम टर्बो जब भी स्टार्ट होता है तो ये बैकग्राउंड के सारे एप्लीकेशंस को किल कर देता है। लेकिन आप चाहें तो मेमोरी एक्सेप्शंस में जाके जो जो गेम्स या एप्लीकेशंस आपको चाहिए कि मेमोरी में रहें, जब भी आप कोई दूसरा गेम स्टार्ट करें या जब भी गेम टर्बो स्टार्ट हो तो आप यहाँ पे उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने Lightroom सेलेक्ट कर लिया, गाना सेलेक्ट कर लिया, फेसबुक सेलेक्ट कर लिया। तो अब अगर मैं कोई भी गेम ओपन करता हूँ और इन तीनों में से कोई भी एप्लीकेशन अगर बैकग्राउंड में चल रहा होगा तो गेम टर्बो उन्हें किल नहीं करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट गेम टर्बो हर एक फ़ोन कॉल को ऑटोमेटिकली स्पीकर में डाल देता है, लेकिन आप चाहें तो आंसर कॉल हैंड्स फ्री का जो ऑप्शन है उसे डिसेबल कर सकते हैं। लास्ट में आपको कुछ एडिशनल सेटिंग्स मिलेंगे गेम टर्बो के। इसमें आप पर गेम वाइज कुछ सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पबजी मोबाइल में जाऊँ तो मैं जो टच रिस्पॉन्स है उसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। सेंसिटिविटी टू रिपीटेड टैप्स, यानी कि अगर मैं 3-4 बार ऐसे टैप करता हूँ तो इसकी जो सेंसिटिविटी है उसे ट्वीक कर सकता हूँ। जो टच रेजिस्टेंट एरियाज हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नीचे कोने में है पबजी के लिए, उन्हें मैं छोटा या बड़ा कर सकता हूँ या एकदम नॉन एग्जिस्टेंट कर सकता हूँ। ये सब मेरी चॉइस पे है। अगर आप एक हार्डकोर गेमर हैं तो आपको गेम टर्बो की जो एडवांस कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको वो बहुत पसंद आएंगे, स्पेशली क्योंकि आप इन्हें पर गेम बेसिस पे ट्वीक कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, Redmi Note 8 सीरीज़ में आपको एक क्विक रिप्लाई का भी फीचर मिलता है जिसमें आप कोई भी गेम खेलते हुए अगर आपको WhatsApp में मैसेज आता है या Facebook मैसेंजर में मैसेज आता है या किसी भी दूसरी मैसेजिंग एप्लीकेशन में मैसेज आता है तो आप उसे गेम खेलते हुए रिप्लाई कर सकते हैं। ये फीचर आपको बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड मिलता है तो इसे आपको इनेबल करना होगा सेटिंग्स स्पेशल फीचर्स क्विक रिप्लाईज में जाके। यहाँ पे अगर मैं क्विक रिप्लाई इनेबल कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सारे एप्लीकेशंस पे क्विक रिप्लाई चलेगा और इसमें क्या होगा कि मैं डायरेक्टली नोटिफिकेशन सेट से ही जो इनकमिंग मैसेजेस हैं उनको रिप्लाई कर पाऊंगा। अब मैं आपको Redmi Note 8 सीरीज की कुछ हिडन और यूजफुल सेटिंग्स और फीचर्स बता देता हूँ। इसके लिए आपको सेटिंग्स एडिशनल सेटिंग्स में जाना होगा। सबसे पहला तो Redmi Note 8 में आपको मिलता है नेविगेशन जेस्चर्स। ये बाय डिफॉल्ट पहले डिस्प्ले के अंदर थे लेकिन अब Xiaomi ने इन्हें शिफ्ट करके कर दिया है एडिशनल सेटिंग्स के अंदर। Xiaomi अपने जेस्चर्स को बोलता है फुल स्क्रीन जेस्चर्स और ये जो है काफ़ी सिमिलर है आईफोन के जेस्चर्स से। आपको बेसिकली स्क्रीन के नीचे से ऐसे ऊपर स्वाइप करना है होम पे जाने के लिए। स्क्रीन से ऐसे अगर आप नीचे से ऊपर स्वाइप करके पॉज करेंगे तो आप रीसेंट ऐप व्यू में जाएंगे। किसी भी फ़ोन की एज से आप स्वाइप कर सकते हैं बैक जाने के लिए। एक जो और यूज़फुल ऑप्शन है वो ये है गो बैक टू प्रीवियस ऐप जेस्चर का। इसमें क्या होगा कि अगर आप स्क्रीन के अक्रॉस स्वाइप करेंगे तो आप प्रीवियस ऐप पे जाएंगे ना कि बैक जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे गैलरी और प्ले स्टोर खोल लेता हूँ और मैं स्क्रीन की राइट एज से एक स्लो स्वाइप मारूंगा तो आप देख सकते हैं कि मैं ऑटोमेटिकली गैलरी ऐप पे चला जा रहा हूँ। वापस करता हूँ, यहाँ पे मैं गैलरी ऐप में हूँ और अगर मैं एक स्लो राइट स्वाइप मारूंगा तो आप देख सकते हैं राइट एज से स्वाइप मारूंगा तो आप देख सकते हैं कि मैं वापस प्ले स्टोर में आ गया। ठीक इसी तरह मैं वापस गैलरी ऐप में जा सकता हूँ और इन दोनों ऐप्स के बीच में साइकिल कर सकता हूँ। आपको कुछ बटन रिलेटेड हैंडी शॉर्टकट्स और सेटिंग्स मिलेंगे बटन शॉर्टकट्स के अंदर। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप कैमरा ऐप को पावर बटन को डबल प्रेस करके लॉन्च कर सकते हैं।
वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप कैमरा ऐप को ओपन कर सकते हैं वॉल्यूम डाउन को दो बार प्रेस करके, लेकिन जो पावर बटन वाला फंक्शन है इसमें क्या है कि ये शॉर्टकट तब भी चलेगा जब आप किसी एप्लीकेशन के अंदर हो या जब आपका फोन अनलॉक्ड हो। वहीं पे जो वॉल्यूम बटन वाला शॉर्टकट है वो सिर्फ और सिर्फ लॉक स्क्रीन पे चलता है या फिर जब आपके फोन की डिस्प्ले ऑफ हो। स्क्रीनशॉट लेने का भी एक बहुत ही आसान तरीका है रेडमी नोट 8 सीरीज में, 3 फिंगर स्वाइप डाउन। आपको बार बार वॉल्यूम डाउन और पावर बटन नहीं दबाना पड़ेगा, कहीं पे भी बस 3 फिंगर्स ऐसे नीचे स्वाइप करिए और फोन एक स्क्रीनशॉट ले लेगा। इन केस आपको ये फंक्शन नहीं पसंद आए तो आप ये जो टेक अ स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन है इसे जाके यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस जेस्चर को चेंज करके लॉन्ग प्रेस पे कर सकते हैं होम बटन का, मेन्यू बटन का, या फिर जो फिजिकल बटन की शॉर्टकट्स है उसे भी चेंज कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो टॉर्च ऑन करने का भी एक शॉर्टकट सेट कर सकते हैं, जैसे कि डबल प्रेस पावर बटन, लॉन्ग प्रेस होम बटन, लॉन्ग प्रेस मेन्यू बटन, या और भी ऑप्शन है जो आपको पसंद है आप सेट कर सकते हैं। अगर आप नेविगेशन जेस्चर्स यूज़ करेंगे अपने Redmi Note 8 सीरीज़ में तो फिर आपको होम बटन मिलेगा नहीं, और इस वजह से आप गूगल असिस्टेंट को ऐसे होम बटन लॉन्ग प्रेस करके टॉगल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपके पास एक और ऑप्शन है, वो है प्रेस एंड होल्ड पावर बटन फॉर गूगल असिस्टेंट। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो क्या होगा कि आप जब भी पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो गूगल असिस्टेंट आएगा। अब रही बात पावर मेन्यू की कि आप उसे कैसे एक्सेस करें, तो गूगल असिस्टेंट तो 0.5 सेकंड पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करने के बाद आएगा, जबकि पावर मेन्यू को एक्सेस करने के लिए आपको पावर बटन को कम से कम 3 सेकंड के लिए दबाना होगा। पहले आपका गूगल असिस्टेंट ही आएगा लेकिन उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली पावर मेन्यू आ जाएगी, जैसा अभी यहाँ पे आया। Redmi Note 8 सीरीज में जो बाय डिफॉल्ट आपको लॉन्चर मिल रहा है MIUI लॉन्चर, उसमें अब आप नोटिफिकेशन शीट को एक सिंपल स्वाइप डाउन जेस्चर से एक्सेस कर सकते हैं। ये प्रीवियसली पॉसिबल नहीं था, और इन दोनों फोन्स में क्योंकि आपको 6 इंच प्लस की डिस्प्ले मिल रही है तो ये फीचर एक्चुअली बहुत ही हैंडी है। स्वाइप अप अगर आप करेंगे तो सर्च खुलेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। इसके लिए सेटिंग्स में जाइएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा होम स्क्रीन, इसमें जाइएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्वाइप अप ऑन द होम स्क्रीन टू ओपन सर्च का ऑप्शन है, इसे डिसेबल कर दीजिए। और फिर अगर आप स्वाइप अप करेंगे अपने होम स्क्रीन पे एक ब्लैंक एरिया में, तो आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। बाय डिफॉल्ट आपको Redmi Note 8 सीरीज में जो रीसेंट ऐप व्यू है वहाँ पे मेमोरी यूजेज, जो रैम यूजेज है, उसका कहीं कोई ओवरव्यू नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे आप इनेबल कर सकते हैं सेटिंग्स होम स्क्रीन में, यहाँ पे शो मेमोरी स्टेटस का ऑप्शन है, इसे इनेबल कर दीजिए। और फिर आप देख सकते हैं कि टॉप राइट में आपके फ़ोन की मेमोरी यूजेज दिखाई जाएगी रीसेंट ऐप व्यू में। होम स्क्रीन सेटिंग्स में आपको एक और यूजफुल ऑप्शन मिलता है, वो है ऐप प्रीव्यूज को ब्लर करने का। आप चाहें तो किसी भी एक सेलेक्टेड एक है जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उनकी जो रीसेंट ऐप में प्रीव्यू आएगी उसे आप ब्लर कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मैप्स की प्रीव्यू को ब्लर कर देता हूँ तो जब मैं मैप्स खोलूँगा ओरिजिनल व्यू कुछ ऐसा है, लेकिन रीसेंट ऐप व्यू में इसकी कार्ड की जो प्रीव्यू है उसमें जो कंटेंट है वो ब्लर्ड किए गए हैं। ये एक्चुअली व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स के लिए एक्चुअली परफेक्ट है, क्योंकि तब आपको इस बात का टेंशन नहीं रहेगा कि कोई आपका चैट्स एक्सेस कर ले या गैलरी में आपके फोटोज देख ले। रीसेंट ऐप व्यू में आपको यहाँ पे ऊपर सजेशंस भी मिलते हैं कुछ, जैसे कि क्लीनर एक्सेस करने का, ऐप्स फाइंड करने का, सिक्योरिटी स्कैन करने का, या फिर मैनेज ऐप्स करने का। इन केस आपको ये पसंद नहीं हो तो होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाके जो शो सजेशंस का ऑप्शन है उसे डिसेबल कर दीजिएगा। फिर जो रीसेंट ऐप व्यू है उसमें आप देख सकते हैं कि आपको किसी भी तरह का कोई सजेशन नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों, ये थे कुछ टॉप हिडन और बेस्ट टिप्स और ट्रिक्स Redmi Note 8 सीरीज के। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, ऐसा है तो हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।